कि एल्विश यादव को कोटा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। एल्विश यादव भागने की कोशिश कर रहा था और ऐसे ऐसे उसको धर लिया गया। कि आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, 100% नहीं, 1000% है, वो मेरा बेटा है। बातचीत करके और अभी वो वांटेड नहीं होने से उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण हमारी तो हाथ जोड़ के विनती है यूपी पुलिस से। सप्लायर एक डिफेमेशन केस आएगा भाई, ऐसे में नहीं छोड़ने वाला मैं, इतने हल्के में तो छोड़ता ही नहीं मैं। सो हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। फिर स्वागत है आपको मेरे एक नई वीडियो में। तो भाई आज का वीडियो होने वाला है एल्विश यादव के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही गलत उनके बारे में फैल रहा है, बहुत ज़्यादा गलत फैल रहा है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो किसने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो चेक करना। और आज नए टॉपिक पे बात करते हैं, जो उन पे नए एलिगेशन लगे हैं। बहुत सारे एलिगेशन लगाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगे जा रहे हैं एलिगेशन। तो आज उन पे ये लगाया, मतलब वो राजस्थान, मतलब वो जा रहे थे शायद कोटा जा रहे थे राजस्थान में। तो अभी ऐसा होता है वहां पर कि मतलब बंदे वहां पे बोल रहे हैं कि एल्विश फरार है, एल्विश नहीं मिलना चाहता, एल्विश दोषी है, एल्विश सांप बेचता है, ये फरार ढिमका। तो वो चंडीगढ़ से कहीं जा रहे थे कोटा, ठीक है। तो अभी 2024 का इलेक्शन का टाइम है, तो ऐसा होता है कि किसी दूसरे एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में आते हैं तो वहां पर ना पुलिस वाले चेक करते हैं, मतलब एंट्री वेंट्री लिखते हैं डायरी वायरी में। तो वहां पर उनको रोक लिया कि भैया एंट्री वेंट्री कराओ। तो वहां पर पुलिस वाले भी उनके मतलब फैन फैंस थे वो, तो उन्होंने फोटो खींच के आगे वायरल कर दी पुलिस मीडिया वीडिया में। तो उनसे फिर पूछा कि सबसे कि नाम पूछते हैं कौन कौन जा रहा है, कौन कौन कहाँ जा रहा है। तो उनमें निकला, उन्होंने किसी ने पूछा कि फिर उन्होंने बोला कि एल्विश यादव नाम है मेरा। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा तो केस लगा हुआ है नोएडा में। तो उन्होंने बोला तो नोएडा में लगेगा, नोएडा वाली पुलिस देख लेगी। तो फिर उन्होंने नोएडा में संपर्क करा कि ऐसे ऐसे एल्विश यादव। तो उन्होंने बोला, तो वहाँ के SHO ने बोला कि नहीं, कोई दोषी नहीं है, ये ना फरार है ना कुछ है। वाकई ये कि एल्विश यादव को कोटा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। एल्विश यादव भागने की कोशिश कर रहा था और ऐसे ऐसे उसको धर लिया गया। अब नोएडा पुलिस आ रही है और उसको अरेस्ट करके ले जाएगी, कोर्ट में पेश करेंगी, राजस्थान पुलिस ये करेगी वो करेगी, ये चल रहा वो चल रहा, सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है भाई, चल पड़ी। मैं एल्विश यादव अरेस्टेड यहाँ बैठा हूँ, मैं अरेस्टेड, देखो मेरे हाथों में हथकड़ी देख लो भाई। भाई जिसे नहीं पता, मैं साफ शब्दों में क्लियर कर दूं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जो कोटा पुलिस वाली आप न्यूज़ देख रहे होगे उसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। मैं कोटा मतलब राजस्थान में जैसे मैं एंटर हुआ, तो इस टाइम चल रहा है इलेक्शंस का टाइम, अभी अगले महीने इलेक्शंस हैं, तो चेकिंग होती है, एंट्री होती है। किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में आप एंटर करते हो बाय रोड, तो आपकी व्हीकल का एंट्री होती है, रजिस्टर में लिखते हैं वहाँ पे, जो नॉर्मल नाके की पुलिस होती है। तो सेम कई चेक पॉइंट से मैं गुजरा, मैंने एंट्री कराई गाड़ी की, अपनी एंट्री भी कराई बड़ी पीसफुली। एक नाके पे मेरे को पहचाना कि ओ अच्छा, उनने फ़ोटो भी खिंचवाई, मेन चीज़ तो ये उनने फ़ोटो भी खिंचवाई। ऑल दो उनने न्यूज़ में नाम दे दिया कि ऐसे ऐसे, न्यूज़ वालों का तो काम है चलो बड़ा चढ़ा के दिखाना, सारी चीज़ें दिखाई। उनने फिर क्या कहा कि आपका तो मुकदमा चल रहा है नोएडा पुलिस में। मैंने कहा अच्छा, तो राजस्थान में तो नहीं चल रहा ना, और अगर कुछ होगा तो नोएडा पुलिस देख लेगी। तो उन्होंने फिर भी वो चीज़ कंफर्म करने के लिए नोएडा पुलिस से संपर्क करा जहाँ पे रजिस्टर्ड है FIR। उन्होंने बोला अरे यार, कि एल्विश यादव वांटेड नहीं है, एल्विश यादव इस टाइम हम उसको नहीं ढूंढ रहे, वो फरार भी नहीं है, उसको जाने दिया जाए। और ये जिसको वो यकीन नहीं आ रहा, मैं जो वहाँ के SHO साहब थे राजस्थान पुलिस के, कोटा पुलिस के, उनकी वीडियो अटैच कर देता हूँ, एक बार ये वीडियो देखो। नाकाबंदी के दौरान चेकिंग की जा रही थी, दौरान चेकिंग एक PB नंबर गाड़ी आई थी, उसमें 3-4 जने सवार थे। इस संदर्भ में उनसे जब बातचीत की गई और उनकी चेकिंग की गई, तो एक ने अपना नाम एल्विश यादव करके बताया था। एल्विश यादव को ये पता चला कि नोएडा में कोई प्रकरण दर्ज है। इस संदर्भ में हमने नोएडा में संबंधित थाने के DCP साहब और SCP साहब से बातचीत करके, और अभी वो वांटेड नहीं होने से उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण अभी इन्वेस्टिगेशन में है और उनको आवश्यकता नहीं होने से हमने इनको रिलीज कर दिया। और भाई सेकंड एलिगेशन ये लगा रहे हैं बंदे की PB सांप बेचता है, एल्विश
बाहर रहता है, मतलब एलविश ये करता है, एलविश वो करता है, तो मतलब उस बंदे को बिल्कुल डिफेम कर रहे हैं, बिल्कुल नेगेटिव दिखा रहे हैं, बिल्कुल मतलब अभी भी न्यूज इतनी हो रही है उनकी, इतनी हो रही है, मतलब सब कुछ नेगेटिव, कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं पॉजिटिव, बल्कि उन्होंने अपनी सफाई भी दे दी कि मैं नहीं हूँ इसमें, 1% भी नहीं हूँ, वो नहीं दिखा रहे न्यूज में, बस नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जो जिससे कुछ लेना देना भी नहीं है वो भी दिखा रहे हैं। मतलब एक बरेलो गाड़ी में कोई गाना है, लाइन उठा ली तो भाई एल्विश ये वाली लाइन गा रहा है, एल्विश इस पर रील बना रहा है, उन्होंने कोई फोटो डाल दी, एल्विश तो फोटो डाल रहा है, एल्विश को परवाह नहीं है। तो भाई क्यों, जब वो बंदा दोषी नहीं है किसी चीज में, तो तुम क्यों उसको उसके पीछे पड़े हो? हमारी तो हाथ जोड़ के विनती है यूपी पुलिस से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि इस चीज की फेयर जांच कराएं, प्लीज हाथ जोड़ के प्लीज। सपोर्ट जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसका सपोर्ट करके मैंने देख लिया, मुझे क्या मिला वापस वो सब जानते हैं। तो उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, मतलब बंदे उस पे होता ना यूट्यूब पे थंबनेल लगाते हैं, मतलब ऐसा लगा रहे हैं एल्विश को गिरफ्तार कर लिया, एल्विश को 7 साल की जेल हो गई, एल्विश को ये हो गया, एल्विश को वो हो गया, एल्विश को पकड़ा गया, एल्विश भाग गया, एल्विश कोटा पुलिस से भाग गया, राजस्थान पुलिस से भाग गया, गिरफ्तार कर लिया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फेक दिखा रहे हैं मीडिया, मीडिया भी फेक दिखा रही, सब कुछ फेक दिखा रहा, मतलब ऐसा हो रखा है मीडिया वर्सेस एल्विश यादव। एल्विश वही बैल गया, मतलब मैं कहा कैसे चल रही है कार्रवाई फिर बाहर देश में, मैंने चलिए आदर्श होगा बताया था भाई एल्विश कल तुमने कर तो दिया था क्लियर भाई। यार वही वाली चीजें हैं, मतलब मीडिया वाली जो कल इसने बोली थी कि छाप रहे हैं पर फेक छाप रहे हैं, समझ लो। पता क्या इस टाइम क्या है, इस टाइम चल रही है मीडिया वर्सेस मीडिया, एक मीडिया जो न्यूज़ है, एक मीडिया जो तुम्हारा भाई है, ये चल रहा है मीडिया वर्सेस मी, दैट्स इट। वो रोज एलिगेशन लगाते हैं, नए मीडिया लगा रही है एलिगेशन, ये देखो बंदे नहीं लगा रहे, मीडिया लगा रही है अपनी मर्जी से, मर्जी भी क्या, हमें सूत्र बताते हैं, हमें सूत्र, अरे भाई पुष्टि करो ना उन सूत्रों की, हैं उनकी पुष्टि करो ना भाई कि क्या लेके आ रहे हैं क्या नहीं लेके आ रहे, सारी झूठ सच की लड़ाई रह रही कटारिया। अगर मैं सफाई ना दूं रोज आके कि जो इल्जाम लगाए गलत है, इल्जाम सही है, तो एक मीडिया तो मेरे को, मीडिया ट्रायल जो होता है, मीडिया ने तो मेरे को दोषी करार कर रखा कि ये तो हराम ही है, ये तो जी ऐसे ऐसे फरार है, अरे हमारे भी लगाते सैनिटाइजर, चरित्र साफ कर लो, मीडिया ने वैसे भी खराब कर दिया सारा जोक मार रहा है क्या, तन दे दिया मेरा फोन पकड़, फिर यहाँ से इसको पकड़ के हाथ तो साफ करो, प्रोडक्शन वाला लगा लिया ये हमारा भाई ना आएगा, तो आज तो मैं नहाया भी ना, मैं तो नहा रहा हूँ भाई, देख रहे हो भाई, अरे रुक जा यार, मीडिया इज एवरीवेयर भाई, मेरे पे इतने इतने फोन आ रखे हैं, इसका फोन नंबर लीक कर दिया जिससे मैंने उस दिन बात करी थी न्यूज पे, इसका भाई किसका, मंच का नंबर लीक कर दिया। अच्छा हाँ, इसने बताई थी वो नंबर हमने चेंज करा कि क्योंकि इतने फोन बचते हैं सारे जर्नलिस्ट, बंद ही हो गया नंबर, नंबर बंद हो गया उसका, कोई फायदा नहीं, चलो कोई नहीं, मेरे नंबर पे इतना हुआ था भाई यहाँ इंटरव्यू दे दो, वहाँ इंटरव्यू, भाई मैं इंटरव्यू दे के क्या करूँ भाई, तुमने चलाना तो वही है यार, मैं इंटरव्यू सबसे पहले इंटरव्यू मैंने जी न्यूज को दिया, उनने एक बार ही चलाया, उसके बाद अब क्या चल रहा देख लिया, और ये नव भारत भारत जितने भी हैं बड़े बड़े, यार तुम भाई इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हो भाई, तुम क्यों खराब कर रहे हो, तुम्हें दिखाऊं कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं। एक और इल्जाम आया, वो तो हमारे सूत्रों ने बताया, वो तो यहाँ पे पार्टी करता था, वो उस जगह पार्टी करता था, हाँ हाँ यार, एक ना सिंपल मेरे को ऐसा लगता है जो भी बंदे पकड़े कैसे इन्वेस्टिगेशन, वैसे पुलिस को ज्यादा पता है, वैसे क्या होना चाहिए जैसे साफ सीधा पता लग जाएगा भाई, सब लोकेशन होती है ना, एक बंदा कहीं लंदन में है, एक बंदा इंडिया में, फर्क होता है ना, एकदम से आके तो भाग नहीं जाएगा 16-16 घंटे ट्रैवल करके, लोकेशन होती है अपने मोबाइल्स की जो हमारे साथ रहते हैं, हर बंदे की लोकेशन होती है, पुलिस वाले बहुत शाने हैं भाई, बहुत ट्रेस कर लेते हैं ह्यूमन से, शायद सच बोल रहे हैं तो मीडिया उसको घुमा चढ़ा के झूठ बता रही है, ठीक है। तो और एक और बात, जब एल्विश यादव ने बोला कि मैं नहीं हूँ दोषी, कि मेरी ये भी न्यूज़ चलाओ, तो वो नहीं चला रहे, क्यों नहीं चला रहे, इसका कोई रीज़न ही नहीं है, बस सब कुछ नेगेटिव कि भाई ऐसा हूँ, ऐसा है एल्विश, ऐसा है एल्विश, ऐसा है, मतलब जो बंदा इतना मुकाम पे इतनी मेहनत करके आगे बढ़ा है, अब वो भाई गलत काम करेगा, इतना मिडिल क्लास फैमिली से बड़ा है, आगे बिग बॉस जीत गया, यूट्यूबर है, अच्छा कमाता है, हिंदू हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ता है, हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज़ उठाता है, सबके लिए उठाता है, सब कुछ करता है, फिर भी उसको डिफेम कर नेगेटिव दिखा रहे, पता नहीं क्यों, कोई नहीं, बट उन्होंने बोला तो है मैं इससे पीछे तो हटूंगा नहीं, एक बार मेरे केस क्लियर हो जाए
बाकी तो फिर जिसने न्यूज में डाला है उसको छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, उन्होंने साफ बोला है अपनी ब्लॉग्स में। यहाँ हम आपके साथ खड़े हैं, देख लेंगे सारी चीजें होती हैं, मीडिया भी अपनी तरफ से ये है वो है इल्जाम लगा दिया हमें, तो भाई वो मेनका गांधी जी ने हमें तो वो कर दिया, क्या कहते हैं उसको, सांपों का सरंगना, पता नहीं क्या होता है, होता हुआ कुछ सांपों का हेड, जो सांप बेचने वाला सप्लायर, एक डिफेमेशन केस आएगा भाई, ऐसे में नहीं छोड़ने वाला मैं, इतने हल्के में तो छोड़ता ही नहीं मैं। अब मैं हो गया एक्टिव इन चीज़ों में, पहले तो मैं सोचता था कि यार चलो ठीक है नहीं कर दे करके छोड़ो, क्यों टाइम वेस्ट करें चीज़ों में, बट जब इमेज ख़राब होती है ना बड़े गंदे तरीके वाली इमेज ख़राब हुई, अभी आ जाएगा अभी आपको ना, अब इन चीज़ों में जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ एक साइड, मेरे को जज मत करना इस चीज़ के लिए, प्लीज़ वेट करना जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन सुनाएगी ना, मैं वीडियो भी शेयर करूँगा, सारी चीज़ें शेयर करूँगा, बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, कुछ सोच के बोल रहा हूँ, पुलिस भी बोलेगी, रिलीज़ भी होगी प्रेस स्टेटमेंट कि एल्विश यादव का इस केस में इतना भी इन्वॉल्वमेंट। और भाई वो बंदा होता है ना कि थोड़ा घबराया था भाई, मेरा नाम इतना मुश्किल सा लगता है कि नाम कमाना, बहुत मुश्किल लगती है नाम कमाने में और नाम गिराने में, एक सेकंड बस, एक सेकंड में, रात के 11 बजे स्टार्ट हुआ था, रात में नाम गिर गया पूरा, हर जगह न्यूज़ फैल गई एकदम से कि एल्विश 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 एल्विश, कहीं भी उनको ये नहीं दिखाया कि एल्विश नहीं है किसी न्यूज़ वाले, बाकी सब ने दिखाया कि एल्विश ऐसा एल्विश ऐसा एल्विश ऐसा एल्विश ऐसा है। और भाई उनके पिताजी से भी इंटरव्यू ले रहे हैं, माताजी से भी इंटरव्यू ले रहे हैं, भाई उनसे क्या मतलब, जब वो मतलब उनके पिताजी की इंटरव्यू दिखा दूंगा, ये देख लो इंटरव्यू। और भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राम अवतार जी जो कि एल्विश के पिता हैं। राम अवतार जी, आपके बेटे के ऊपर एक आरोप लगाया गया है कि वो रेव पार्टी, आपको पता है कि वहां पर जो है सांपों का जहर वाला ड्रग्स जो बेचा जा रहा था। भाई मुझे तो नहीं पता इस चीज का, क्या मतलब पता किया मैंने फोन करके कि ऐसा होता है, पहले तो मेरे समझ में ये नहीं आया कि रेव पार्टी होती क्या है। आप मानोगे या ना मानोगे बाकी मुझे नहीं पता था, बाकी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, आरोप तो आरोप ही होते हैं, वो तो सच्चाई सामने आ जाएगी जल्दी। लेकिन FIR में उसका नाम है, मेनका गांधी की जो संस्था है उसने जो है FIR करवाई है। भाई फिर तो बड़े लोग हैं, फिर तो कुछ भी हो सकता है। आपके एल्विश से बात हुई? हाँ बिल्कुल हुई है। क्या कह रहा है? कुछ नहीं, नॉर्मल हुई, आराम से बोले पापा जी ऐसा कोई, बस यही है इसमें, कोई ऐसा दूर दूर तक भी नहीं हो सकता, यही काम रहेगा क्या हमें। लेकिन जो पुलिस FIR दर्ज की है, पुलिस उससे पूछताछ करेगी, तो पुलिस की जांच में सहयोग करे तो मैं भी करा दूं आपके खिलाफ अभी कि भाई मेरे घर पे खड़े थे और मेरे घर में घुस गए, ये थोड़ी होता है, FIR तो कोई किसी भी कर सकता है। नहीं नहीं कोई नहीं, गुरुजी एक मिनट, मैं आप 10 लोग खड़े हो, मैं कह दूं मेरे पीछे से मेरे घर में कोई नहीं था, ये घुस गई है चीजें, और बाकी पुलिस अपना काम करेगी और जल्दी, मैं कह रहा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन भगवान जिसने भी ऐसा किया है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि आप लोग आए हो, लेकिन इस काम के लिए आए, मुझे ये शर्मिंदगी है कि बिग बॉस के टाइम आए थे आप विजेता उसके रूप में, बड़ा अच्छा लगा था, और इस तरह दोबारा मिलना होगा ये, बाकी चलो ये भी एक आपकी ड्यूटी है। बाकी कह रहे कि आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। 100% नहीं, 1000% है, वो मेरा बेटा है। हाँ, बात गांव का बेटा, लेकिन मेरा बेटा है वो, मतलब ही नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं हो सकता दूर दूर तक भी, मैं ये कहता हूँ इसी में सब कुछ आ गया, भगवान जिसने भी किया है, मैं तो ये कहूँ कि ज्यादा तो क्या कहूंगा, बाकी उसके बेटे को भगवान इस तरह पहुंचाए, और फिर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसको भी ऐसा सामना, लेकिन मतलब कहते ना कि किसी की बद्दुआ मत लो, बस इसी में सब कुछ हो गया। तो एल्विश के नहीं है कि भाई, नहीं 100% क्या, 1000-2000% कहता हूँ कि मेरा एल्विश के पिता जो, जिनका ये कहना है कि आरोप पूरी तरह है बेबुनियाद, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि नहीं है, फिर भी उनके पीछे पड़े हुए हैं, हर दिन पहुंच जाते हैं, हर दिन एल्विश यादव ने मना भी कर दिया कि भाई मेरे घर मत जाओ, उनको ये सब चीजें पता नहीं है, उनको नहीं पता, कुछ नॉलेज भी नहीं है, फिर भी नहीं मान रहे, फिर बोल रहे हैं कि भाई तुम तो घर वालों से छुप रहे हो, घर वालों से बच रहे हो, भाग रहे हो, भाग भाई बंदे को काम हो गया भाई, इतना बिग बॉस के बाद इतना अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, बंदा जा रहा है इधर से उधर, भाई काम करने दो ना उस बंदे को, क्यों नहीं करने दे रहे तुम काम। बाकी तो भाई इस वीडियो में इतना ही था, और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा मैं, होप करता हूँ तुमको वीडियो पसंद आई होगी मेरी, और पसंद आई तो लाइक करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना, जल्दी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सर वॉचिंग, टेक केयर।